बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयशा हेल्थ विद ब्यूटी। तो दोस्तों कैसे हैं आप, कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जो आपके जिस्म से खून की कमी को तेजी से पूरा करेगी और साथ में हड्डियों के दर्दों में भी आराम देगी और आपके जिस्म से सुस्ती थकावट दूर करके आपको चुस्त तवाना बनाएगी। वैसे तो बाजार में काफी एनर्जी ड्रिंक्स मिल जाती हैं, लेकिन उनसे बस वक्ती तौर पर फायदा होता है और कुछ देर गुजर जाने के बाद दोबारा से थकान का एहसास होने लगता है। लेकिन मैं जो आपको रेमेडी बता रही हूँ वो आपकी कमजोरी का मुस्तकिल इलाज है। इसके इस्तेमाल से जिस्म में भरपूर तवानाई आएगी, खून भी तेजी से बनेगा और जिस्मानी दर्दों में भी तस्कीन मिलेगी। तो है ना कमाल की चीज, चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप भी जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर हैं तो दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। तो सबसे पहले आपने लेनी है सौंफ। यकीनन ये आपके घर में मौजूद ही होगी क्योंकि खानों वगैरह में इसका इस्तेमाल आम है। आपने करना ये है कि सौंफ को हाथ में लेकर कुचलना है, ये देखें इस तरह। फिर जो कचरा निकले उसे फेंक दें और जो सौंफ बच जाए उसे पीसकर पाउडर बना लें। तकरीबन एक चम्मच सौंफ आपने लेनी है। अब आपने लेनी है गाजर, लाल वाली गाजर आप लेंगे। गाजर को पहले तो छील लें, फिर कद्दूकश कर लें। दरमियानी साइज की गाजर होनी चाहिए और वो भी सिर्फ आधी ही लेंगे। आधी गाजर कद्दूकश हो गई है। अब आपने इसमें डालना है ऑरेंज जूस। अभी तो सीजन इसका एंड होने वाला है लेकिन अभी हुआ नहीं है, तो आप भी इससे फायदा उठा सकते हैं। एक गिलास से थोड़ा कम आप ऑरेंज जूस इसमें डालेंगे। अब आपने इसे ब्लेंडर में डालकर मिक्स करना है और लाइक बटन को प्रेस करना है। और ये आपका मजेदार सा जूस तैयार है। इसे आपने सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद रोजाना पीना है। इसके पीने से आप पूरा दिन चुस्त तवाना रहेंगे, खून तेजी से बनेगा, थकावट का एहसास भी नहीं होगा और साथ में जिस्मानी कमजोरी भी दूर हो जाएगी। ये बहुत ही मजेदार और असरदार जूस है, तो इसे आप जरूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो बनता ही है, अच्छी बात को दूसरों तक पहुँचाना बिल्कुल ना भूलें। चलें अब मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।